रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां। रजहामो कार्यालय और अन्य कई स्थानों पर भी मनाया गया जश्न। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक कार समेत मोबाइल फोन, एटीएम, पैन कार्ड किया गया बरामद। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के अधिकारियों की टीम के साथ बदगुंदा में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर स्थल का किया निरीक्षण। जमीन को चिन्हित करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए बताए उपयुक्त जमीन। जिले भर के लोगों को मिलेगा मेडिकल कॉलेज का लाभ। सरकार से मिल चुकी है निर्माण की अनुमति। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र से गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि इन अपराधियों से 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, पासबुक, पेटीएम आदि कई सामान बरामद किए गए, जिसकी जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पपरवाताड़ स्थित कार्यालय से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी में सनफराज अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, रंजीत कुमार मंडल और परमेश्वर कुमार मंडल शामिल हैं। पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, पासबुक, पेटीएम, पैन कार्ड समेत एक स्विफ्ट कार को भी बरामद किया है। बताया गया कि एसपी को मिली सूचना के आधार पर आबिद खान, पुलिस अधीक्षक साइबर के नेतृत्व में टीम गठित कर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया गया। इसके बाद चारों साइबर अपराधियों को बेंगाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। टीम में पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार महतो, पुनीत कुमार, गौतम, गुंजन कुमार, संजय मुखियार, घनश्याम बिरुआ, मनोज कुमार आदि जवान शामिल थे। डॉक्टर सरफराज अहमद के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की खुशी में गांधी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाइयों बांटकर खुशियां मनाई। इस मौके पर पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर सरफराज अहमद के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की खुशी में गुरुवार को गांधी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस दौरान गिरनिया मोड़ में आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई। इस क्रम में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता झामुमो नेता मोहम्मद आलम के नेतृत्व में गांधी के गिरनिया मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी जमा हुए और सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व आतिशबाजी कर एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर खुशियां व्यक्त किया। इस विषय में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी और मोहम्मद आलम ने संयुक्त रूप से कहा कि गांधी क्षेत्र के पूर्व विधायक और सभी कार्यकर्ताओं के अभिभावक सरफराज अहमद ने गुरुवार को दिल्ली राज्यसभा सदन में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसी खुशी में आज शाम को इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त किया। मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, मोहम्मद शमशेर, जीव सदस्य प्रतिनिधि गोपिन मुर्मू, मोहम्मद याकूब, वाहिद खान, मोहम्मद जाकिर, नियाज अहमद, मालो खान, मोहम्मद ताज, रितेश पाठक, कुंदन पाठक सहित इंडिया गठबंधन के अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग में इसलिए उत्साह था कि हमारे लोकप्रिय नेता माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद चारों सदनों का सदस्य बन चुके हैं। और खास बात यह है कि आज राज्यसभा सांसद का शपथ लिए, इस खुशी में हम लोग मिठाई आपस में बांट के और थोड़े और खुशी का इजहार जाहिर। हरण कांड के आरोपी दामोदर यादव को पुलिस ने पचम्बा थाना क्षेत्र के पेशरा गड्ढा से गिरफ्तार कर गुरुवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि भिक्कन यादव का पुत्र दामोदर यादव मूल रूप से बिरनी थाना क्षेत्र के किसी गांव का निवासी है और यह एक लड़की के अपहरण कांड का आरोपी है। पुलिस उसकी तलाशी कर रही थी और यह फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट में पेश कर इसे जेल भेजा गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चे दाने का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7030864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मन चाहे रंगों व सभी साइजों में। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, वन पीस, टू पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा सूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें। विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिजा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर, यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में जश्न मनाया गया। विधायक सुदीप कुमार सोनू समेत पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, सहयोगी गठबंधन दल के नेता व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और खुशी का इजहार किया। यहां सभी ने अबीर, गुलाल लगाकर, आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया जैसे नारेबाजी करते हुए पार्टी नेताओं ने खुशी का इजहार किया। मौके पर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि आज विपक्षी दलों का षड्यंत्र और साजिश नाकाम हो गई है। कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जीत ने झारखंड में विपक्षी दलों की षड्यंत्र और साजिश को पर्दाफाश किया है और यह पुनः स्थापित किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारे हेमंत बाबू परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं हो सकते।
महिला थाना में शुक्रवार को एक पति पत्नी के विवाद को सुलझाया गया, जिसके बाद दोनों हंसी खुशी के साथ थाने से घर के लिए विदा हुए। बताया गया कि पति पत्नी के बीच गंभीर विवाद चल रहा था। जानकारी दी गई कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेंट्रल पीठ निवासी ज्योति देवी ने अपने पति गांडे थाना क्षेत्र के राता बहियार निवासी पप्पू दास के खिलाफ महिला थाने में आवेदन दिया था। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की। बाद में महिला थाना प्रभारी दीपमाल कुमारी ने इन दोनों की काउंसलिंग की। काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों मान गए। इस तरह इनके चल रहे विवाद को पुलिस ने सुलझा लिया, जिसकी वजह से इन लोगों का घर टूटने से बच गया। मामला सुलझने के बाद महिला थाना प्रभारी दीपमाल कुमारी ने दोनों को राजी खुशी थाना से घर के लिए विदा किया। गांडे के भेड़ाटांड गांव स्थित जंगल में गुरुवार को एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ एक अज्ञात व्यक्ति के शव को पुलिस ने बरामद किया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि गुरुवार को ग्रामीणों को शव से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने शव को सामने से देखा। ग्रामीणों ने फांसी के फंदे पर झूलते शव की जानकारी मेदनी सारे पंचायत के मुखिया को दिया। मुखिया की सूचना पर गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह दल बल के साथ भेड़ाटांड गांव पहुंचे और शव को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। अब हम तो चले छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, ओथी प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 06532356150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर ₹5000 का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन,
मेडिकल दवाखाना हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों नवजात शिशु महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में शुक्रवार को अधिकारियों की टीम द्वारा बदगुंदा में मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान इनके साथ अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ, सिविल सर्जन डॉक्टर एस पी मिर्सा, सीओ मोहम्मद असलम के साथ कई लोग शामिल थे। सभी अधिकारियों ने बदगुंदा के जमीन को मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित किया और कहा कि यह जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए काफी बेहतर है और यहीं पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर एस पी मिश्रा ने बताया कि गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज का खुलना जिले के लिए गौरव की बात है और इसका लाभ जिले भर के लोगों को मिलेगा। बताया गया कि गिरिडीह जिले को जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। सरकार ने गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सिविल सर्जन के पास एक पत्र भी प्राप्त हो गया है। पत्र प्राप्ति होने के बाद विभाग मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य की प्रक्रिया में जुट गई है। सरकार ने गिरिडीह में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इस आशय का एक पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है कि 25 से 30 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज हेतु उनको उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हम लोग आज यह भूमि देखने के लिए आए हैं। यह बड़ी उपयुक्त भूमि होगी क्योंकि यह गिरिडीह डुमरी मार्ग पर ही अवस्थित है और मुझको लगता है कि मुख्य मार्ग पर अवस्थित भूमि में अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता है तो लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियत होगी। और इसके संबंध में और विस्तार से सिविल सर्जन एसी साहब, सीओ साहब आपको अवगत करा देंगे। मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है जिसके लिए आज हम लोगों ने इस बदगुंदा कला के इस भूखंड का निरीक्षण किया और ये बहुत उपयुक्त जमीन है मेडिकल कॉलेज के लिए, जो हमारे सदर अस्पताल से 8 किलोमीटर के अंदर भी है और ये मुख्य पथ डुमरी पथ पर है, जो मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। और ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण हो जाने से यहाँ के लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, जो हम लोग रेफर कर रहे हैं कभी धनबाद और कभी रिम्स, तो वो सुविधा सारी यहाँ उपलब्ध होगी और शीघ्र ही हम उम्मीद करते हैं कि इस पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, हमारा जो मेडिकल कॉलेज बनना है गुरुवासियों के लिए, उसके लिए आज हम सीओ साहब और हमारे माननीय विधायक मॉडल के साथ हम लोग जाँच लिए और जगह बहुत सुटेबल है, अप्रोच रोड है यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद थोड़ा महसूस हो रहा है कि कुछ जगह लोग अनधिक रूप से अतिक्रमण भी कर लिए हैं। हम लोग उससे दस्तावेज मांगेंगे और जो नियम संगत होगा कार्रवाई। बेंगाबाद के सोनवाडी में ऑटो पार्ट्स दुकान में बदमाशों ने गुरुवार की रात हजारों रुपए मूल्य के मोटर पार्ट्स को चुरा लिया। शुक्रवार को दुकान खोलने के बाद इसकी जानकारी भी बताया गया कि दुकान का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद रहने के कारण दुकान के भीतर चोरी होने की किसी को भनक तक नहीं लगी। बताया जाता है कि खुटरीबाद के दिलदार मिस्त्री बेंगाबाद के सोनवाडी में एक किराए के मकान पर 4 वर्षों से ऑटो पार्ट्स का दुकान चला रहा था। घटना की पूर्व संध्या 7:30 बजे वह दुकान बंद कर अपना गांव खुटरीबाद चला गया। दूसरे दिन शुक्रवार को जुम्मा की नमाज के बाद वह दुकान खोलने सोनवाडी पहुंचा। दुकान का शटर खोलने के बाद इधर उधर सामान बिखरा पड़ा हुआ था, फिर दुकान की छत का सीट काटा हुआ था, दुकान के पिछवाड़े में भी बहुत सामान फेंका हुआ था। दुकान संचालक द्वारा लगभग 1 लाख रुपए मूल्य की पार्ट्स चोरी होने की संभावना व्यक्त किया है। भुक्तभोगी ने घटना की सूचना बेंगाबाद थाना को दे दिया है। भागलपुर के महागामा से रांची जा रही आम से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गुरुवार की देर रात को सोनबाद के बनहत्ती के पास पलट गई। इस हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बच गए। वाहन पलटने के बाद
कैरेट से पका आम मुख्य सड़क पर बिखर गया। आते जाते लोगों ने बिखरे पड़े आम को लूट लिया। सूचना मिलने पर मेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और क्षतिग्रस्त वाहन और आम से भरा कैरेट को सुरक्षा के घर में ले गई। पुलिस के सहयोग से कैरेट से भरा आम दूसरा वाहन में भरकर रांची भेज दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त पिकअप वैन को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जाता है कि पिकअप वैन आम से भरा कैरेट लेकर गोड्डा के महागामा से मेंगाबाद गिरिडीह NH पथ से रांची जा रही थी। रात्रि के लगभग 2:30 बजे के आसपास सोनबाद बनहत्ती के पास रोड ब्रेकर पार करने के दौरान वाहन का स्प्रिंग टूट गया, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी मार दी। वाहन पलटने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की नींद खुल गई। मुख्य सड़क पर पिकअप वैन पलटी हुई थी। सड़क पर आम बिखरा पड़ा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने के पूर्व स्थानीय लोगों ने लगभग 50 कैरेट आम को लूट लिया। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी